बालेश्वर से प्रताप चंद षडंगी की जीत कुछ इसी तरह है कि सत्ता के हाथी पर सादगी का शेर सवार है। हम बात कर रहे हैं षडंगी जी से। षडंगी जी, आप अपनी जीत को किस तरह से लेते हैं? एक तरफ बहुत बड़ी हैसियत के लोग और दूसरी तरफ आप जमीन से जुड़े हुए लोग। मैं इसको ईश्वर की कृपा मानता हूँ। जो असत्य के ऊपर सत्य का विजय है, अधर्म के ऊपर धर्म का विजय है, भ्रष्टाचार के ऊपर सदाचार का विजय है, और ये जनता जनार्दन का विजय है। नरेंद्र मोदी की कृपा से, भगवत कृपा से संभव हुआ है। आप जब ऑटो में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय कितने आश्वस्त थे? क्योंकि पिछली बार का सदमा आपको कहीं ना कहीं डरा रहा होगा, या नाम और काम प्रधानमंत्री का वो आपके संग संग चल रहा था? ये तो चल रहा था, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं हार जीत में समान अवस्था में रह सकता हूँ। ये परमेश्वर की कृपा से मेरा मन में ये समता की स्थिति है, ऐसा इक्विलिब्रियम माइंड मेरे को है, और मैं आश्वस्त था कि इस बार हमें विजय मिलेगा। लाभा लाभव जया जय समान अवश्यम। तो एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सादगी, और अब ऐसी चर्चा चल रही है कि आप मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में एक तरफ सादगी और दूसरी तरफ सत्ता, इसके बीच के विरोधाभास को आप कैसे? इसको तो मैं विरोधाभास नहीं मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये मंत्री भी एक आदमी होता है, एमपी भी एक आदमी होता है, पहले तो आदमी है, और मेरे को मंत्रिमंडल से ज़्यादा सांसद के रूप में डिबेट करने से बहुत रुचि है। तो इसका मतलब संसद में आपकी बहसें तो हम ज़रूर देखेंगे। ये आपके बारे में जो पढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें ये कि प्रधानमंत्री जी जब संघ के प्रचारक थे और आप भी थे, तो आप दोनों साथ साथ साइकिल से घूमते रहते थे। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा पहला परिचय 2004 में जब मेरा चुनाव प्रचार में गए थे, पहले ही देखा प्रधानमंत्री, वो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2004। ये कहा जाता है कि आप जब प्रधानमंत्री जी जब भी उड़ीसा जाते हैं तो आपसे जरूर मिलने के लिए आते हैं। ये भी गलत है, ये अतिरंजन है। प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में है, मैं उधर हूँ, तो मिल लेते हैं, लेकिन वो मेरे को मिलने के लिए आई, ये बात है, ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ कहा जाता है कि साइकिल आपका प्रिय वाहन है, तो क्या आप संसद भी साइकिल से जाएंगे और दिल्ली की सड़कों पर आप साइकिल से? दिखावा के लिए मैं कुछ नहीं करता, साइकिल मेरा प्रिय है, क्योंकि ये साइकिल परिवेश को प्रदूषित किए बिना और सबसे सस्ता माध्यम है। फिर भी कार्य के चाप के कारण मुझे तो गाड़ी भी लेना पड़ता है, और संसद भवन को मैं साइकिल में क्यों जाऊं? इधर तो संसद भवन को जाने के लिए 10 रुपया देने से पार्लियामेंट में व्यवस्था है गाड़ी। बिल्कुल। कितनी बड़ी चुनौती है उड़ीसा का जीवन और यहाँ दिल्ली का जीवन, जिसमें विधायक के बाद अब सांसद, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, बड़ा इलाका है, बड़े सारे लोग हैं, तो ये जीवन सर्वथा चुनौतीपूर्ण है, और चुनौती नहीं होता तो जीवन का सौंदर्य भी नहीं होता। इसलिए सारे चुनौती को हम सामना करेंगे, इसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दिल्ली में भी आपका प्रिय भोजन पखाल भात आपके साथ रहेगा? अभी पार्लियामेंट में कई अफसरों ने मुझे लंच के लिए बुलाए थे, लेकिन मैं मना कर दिया, और इधर पखाल तैयार है, इसलिए आ गया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो जय जगन्नाथ। नमस्कार।